वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का आज लास्ट टॉपिक है विविध। तो इसके बाद हमारा पूरा ज्योग्राफी की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थुम्बा की। थुम्बा कहाँ है? तो थुम्बा जो है वो केरल में स्थित है और थुम्बा में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो आपने नाम सुना होगा विक्रम साराभाई, जो अंतरिक्ष केंद्र का नाम है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो थुम्बा केरल में स्थित है। और थुम्बा केरल में स्थित होने का कारण क्या है कि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसको थुम्बा केरल में ही क्यों स्थापित किया गया है? तो उसका कारण यह है कि वो थुम्बा का भू चुम्बकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। तो थुम्बा है वो भू चुम्बकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। थुम्बा कहाँ है? केरल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सॉरी, दक्षिण नहीं है, दी है। तो द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है, माउंटेनियरिंग का मतलब होता है चढ़ना, तो हिमालय पर जो चढ़ा जाता है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अब यहाँ कृषि विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर तीसरा कृषि विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कृषि विश्वविद्यालय में जो हमने देखा जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू जो है सॉरी एक सेकेंड जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार पटेल का जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वो उत्तर प्रदेश में है। फिर इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आचार्य एन जी रंगा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, एन जी रंगा। तो बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर इसके मध्य प्रदेश के ठीक बराबर में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यूपी में जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय जो है वो स्कॉटलैंड में है। अब कुछ अन्य जगहों की बात कर लेते हैं, जैसे सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ यूपी में स्थित है और सारनाथ जो है बौद्ध स्थल है, ये सारनाथ यूपी में स्थित है। महाकाल मंदिर कहाँ है? तो महाकाल मंदिर माँ से महाकाल और माँ से मध्य प्रदेश, तो महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वारका कहाँ है? तो द्वारका गुजरात में स्थित है। अब कुछ स्टेडियम्स हैं यहाँ से कट गए हैं, तो आपको याद रखना है ब्रेबर्न स्टेडियम जो है वो मुंबई में स्थित है। ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई, ब्रेव लोग हैं यहाँ मुंबई के, तो ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क है ये, ग्रीन पार्क, तो ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में स्थित है। कानपुर में बड़े ही ग्रीन लोग हैं, तो ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है। फिर ईडन गार्डन, यहाँ लिखा है ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन जो है वो कहाँ है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है, ईडन गार्डन। फिर ऐशबाग स्टेडियम जो है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? वो भोपाल में स्थित है। अब बात करते हैं भूमिगत रेलवे कहाँ है? तो भूमिगत रेलवे जो है वो कलकत्ता में स्थित है, भूमिगत रेलवे कलकत्ता। आम कहाँ होते हैं? तो आम जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में होते हैं, तो रत्न, आम एक रत्न की तरह काम करता है, तो आम जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र। ताले अलीगढ़ में बनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ताले के लिए प्रसिद्ध है। चावल के लिए देहरादून प्रसिद्ध है, देहरादून उत्तराखंड चावल। डायमंड हार्बर आपने देखा होगा जब हमने नेविगेशन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें डायमंड हार्बर जो है वो कलकत्ता को ही कहा जाता था, तो डायमंड हार्बर कलकत्ता। तो डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? और सॉल्ट लेक सिटी दोनों कलकत्ता में स्थित है। तो डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता को कहा जाता है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। डिंडीगुल कहाँ है? तो डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है, डिंडीगुल। तो पीतल के बर्तन यूपी के मुरादाबाद में प्रसिद्ध है,
यूपी का जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद यूपी। नेक्स्ट है जंगल महल, तो जंगल महल एक क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जंगल महल पश्चिम बंगाल में जंगल महल स्थित है। इसके बाद भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो भारत के प्रथम जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा, और अप्सरा मुंबई में स्थित है। तो मुंबई में जो अप्सरा है वो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट, भारत की पहली टेलीग्राफ जो सेवा है या दूरभाष सेवा वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य बिछाई गई थी। तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच भारत की पहली टेलीग्राफ सेवा यानी कि दूरभाष सेवा चलाई गई थी। 1850 में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद्य दोनों प्रदान कर सकता दोनों दे सकता है, तो वो है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र से हमें शक्ति भी मिलती है यानी कि ऊर्जा भी मिलती है, साथ ही खाद भी इससे प्राप्त करते हैं हम बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 में। तो जो भारतीय डाक विभाग है इसने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ 1986 में किया था। द्रुत डाक मतलब स्पीड पोस्ट। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक उपभोक्ता के मामले में दूसरे स्थान पर है, तो भारत। तो ये पुराना क्वेश्चन है, शायद आप चेक कर लेना, शायद अब ये फर्स्ट स्थान पर आ गया है, लेकिन फिर भी डाउट है इसलिए इसको चेक कर लेना क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। टिड्डियां भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो पाकिस्तान से। टिड्डियां जो हैं वो भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। अब हम स्थान देखते हैं और उसके राज्य देखते हैं, कौन सा स्थान किस राज्य में है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। थुम्बा केरल में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है और पोखरण राजस्थान में स्थित है। पोखरण में ज़्यादातर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो पोखरण राजस्थान में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है BARC वो मुंबई में स्थित है। थुम्बा केरल में स्थित है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब कुछ नगर हैं, इसकी विशिष्टताएँ देख लेते हैं। तो अलीबाग जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी विशेषता ये है, यहाँ लोग हॉलीडे रिसॉर्ट के रूप में जाना जाता है ये अलीबाग, यानी कि छुट्टियां बनाने में यहाँ आते हैं, अवकाश सदन व्यतीत करने में यहाँ अलीबाग आते हैं लोग। फिर बालापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, बालापुर जो है वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। नावा शेवा आपने देखा, ये पोर्ट है, बंदरगाह है नावा शेवा जो है, तो यहाँ न्यू फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मुंबई पोर्ट जो है उसकी रश को कम करने के लिए नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो ये पढ़ा था आपने, नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो एक बंदरगाह है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ये मत्स्यन केंद्र है यानी कि फ़िशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। तो रत्नागिरी जो है वो मत्स्यन केंद्र यानी कि फ़िशिंग सेंटर है। थुम्बा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो केरल में स्थापित है। तो स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। अब आते हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश के ठीक बराबर में छत्तीसगढ़ में स्थित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यूपी में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में स्थित है। फिर रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, रामेश्वरम तमिलनाडु। द्वारका गुजरात में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश, हमने देखा था अभी महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। सारनाथ जो है वो बौद्ध स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। द्वारका जो है वो गुजरात में स्थित है और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। अब कुछ स्टेडियम हम देखते हैं, जैसे कि ऐशबाग स्टेडियम जो है वो भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ ऐशबाग स्टेडियम जो है वो भोपाल में स्थित है। ऐश करते हैं भोपाल के लोग, ऐशबाग स्टेडियम में भोपाल। ब्रेवर्न स्टेडियम मुंबई, मुंबई ब्रेव है। ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर और ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता।
भूमिगत रेलवे जो है वो कलकत्ता में स्थित है। आम के लिए रत्नागिरी फेमस है, ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है और चावल के लिए देहरादून। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित कहाँ है? तो कोलकाता में। तो डायमंड हार्बर एक द्वीप है, सॉरी पोर्ट है ये डायमंड हार्बर, और सॉल्ट लेक सिटी ये दोनों कलकत्ता में स्थित हैं। डिंडीगुल नाम है, तमिलनाडु में एक नगर है, इसका नाम है डिंडीगुल। फिर हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण, यानी कि जो हरित राजमार्ग होते हैं उनके मार्ग के चारों यहाँ 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 फिर यहाँ 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 वृक्ष लगा दिए जाते हैं, तो इसको हरित राजमार्ग कहा जाता है और इसका लक्ष्य वृक्षारोपण करना है। पीतल के बर्तनों के लिए यूपी का मुरादाबाद फेमस है, तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद यूपी। नेक्स्ट है जंगल महल कहाँ स्थित है? तो जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। जंगल महल भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका नाम अप्सरा है, और अप्सरा मुंबई में स्थित है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था, दूरभाष यानी कि टेलीग्राफ लाइन का प्रादुर्भाव भारत में 1850 में हुआ था। और भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो यहाँ से हमारा आज का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट होती है। दोस्तों इसी तरह मॉडर्न ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जितने भी आपके जीएस के पार्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस वगैरह, तो आपका सब यहाँ कवर अप किया जाएगा, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने सभी वीडियोस देखे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारी क्या कमी रही है जिससे हम आगे के वीडियोस को सुधार सकें। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।